नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी से। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री महेश बंसल ने कहा कि प्रदेश की सरकार जाति धर्म के लोगों को बांटकर और झूठ बोलकर लोगों का उत्पीड़न करने में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। थाना क्षेत्र के गाँव कमेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप राणा ने कहा कि आज किसान, मजदूर, आम आदमी दुखी है। प्रदेश सरकार ने राजपूत और दलितों को आपस में लड़वाकर SC ST एक्ट में बदलाव के बहाने जातिवाद को बढ़ावा दिया है और जाट समाज को आरक्षण, कर्ज माफी का वादा कर उनके वोट लिए। सूर्य प्रताप राणा ने कहा कि हमारी सरकार में सब वर्ग खुश था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजनाओं का उद्घाटन ही भाजपा के नेता कर रहे। कार्यक्रम में कमेड़ा निवासी प्रदीप धीरियान को लोहिया वाहिनी का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया और राकिब स्वैडी को जिला महासचिव, दिनेश गौतम को जिला उपाध्यक्ष, डॉक्टर मनोवर भैसा रेड्डी, डॉक्टर कंवरपाल अमीर, आजम गोदना को जिला सचिव बनाया गया। मनोनीत सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर पुरकाजी लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो जावेद आलम की खास रिपोर्ट। सरकार बदली, जेब में पैसे नहीं, पटाखे फोड़ देंगे, पता चला पुलिस ले गई उठा के। लाइट जलानी, बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए, मेरे पास ऐसे बिल हैं जिनमें 2 महीने का बिल, एक आदमी का, एक घर का 2 महीने का बिल 1,53,300 रुपए है। इतना समय दिया, मैं बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था रख ले हैं।